भारत ब्रिटेन के बीच सिविल न्यूक्लियर डील सील। यूएन सुरक्षा परिषद ने भारत को 28 सीट के समर्थन का दिया भरोसा। आज बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे मोदी। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के साथ करेंगे लंच। वेम्बले स्टेडियम में भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधन। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल का अमृतसर में बड़ा बयान। कहा, पंजाब में हिंसा के पीछे आईएसआई जैसी एजेंसियों का हाथ। कांग्रेस प्रायोजित था सरबत खालसा और इंग्लैंड के पीएम को पीएम मोदी के डोसिये सौंपे जाने की नहीं है जानकारी। एसजीपीसी अध्यक्ष अवतार सिंह मकड़ ने हरमंदिर साहिब में हुए हंगामे के लिए पुलिस प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। कहा, प्रशासन सही तरीके से निभाता ड्यूटी, उतारा जा सकता था हंगामा। हिमाचल सरकार ने विजिलेंस विभाग को दिया आदेश, 90 दिनों में पूरी हो धूमल और उनके परिवार की संपत्ति की जांच। विजिलेंस विभाग को बाहरी राज्यों की जांच एजेंसियों से भी मदद लेने के आदेश। हरियाणा में गौहत्या कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी। कानून के तहत गौहत्या करने पर 10 साल की सजा और 50,000 के जुर्माने का प्रावधान। पंजाब में जल्द होगा नए कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पंजाब के सियासी मसलों पर की खुलकर बात। पूरी बातचीत देखिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर डायरेक्ट विद दिनेश में कल रात 8 बजे। पंजाब की बात करें तो वहाँ भी लीडरशिप को लेकर काफी समय से लंबित पड़ा है। कब तक होगा ये फैसला? श्री राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी बहुत जल्द इस बारे में निर्णय जो है उन्होंने सबसे राय कर लिया, बहुत जल्द वो निर्णय बता